हेलो फ्रेंड, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आजकल अंडा करी सबको पसंद आती है खाना। सो में आप अंडा करी बनाना शुरू किया है। बॉईल कर लिया है अंडा को। उसके बाद ये अंडा और प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्च ये सब हम ले लिए हैं, और जितना है उतना बनाने के अनुसार ही आप ले लें। हम लहसुन नहीं लें क्योंकि लहसुन का उपयोग मुझे नहीं करना पसंद है मतलब अंडा करी में। और उसके बाद अपना अंडा को फ्राई कर लिए, बॉयल अंडा को फ्राई कर लिए हैं अच्छी तरह से। उसको पूरा फ्राई करके उसके बाद उसको निकाल लेना है। उसके बाद फिर उसी ऑयल में आपको जीरा, गोटा जीरा डाल देना है। जीरा के बाद कुछ गोटा मसाला, जैसे गोटा लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, तजपत्ता डाल देना। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिला के उसको फिर उसके बाद हरी मिर्च, प्याज, टमाटर को मिला करके उसको लाल कर लेना है, भून करके लाल कर लेना है। और जब तक कि तेल छोड़े नहीं तब तक इसको भूनते रहना है पूरा लाल करते करके। उसके बाद इसमें मिक्स करना है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, काली मिर्च का मतलब मीन्स काली मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अपने स्वाद अनुसार ही डालेंगे। जितना आप बना रहे हैं उस अनुसार डालेंगे। नमक डाल देंगे, उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे। सिंपल मसाला जो है उसी को यूज़ करना है, बस मसाला डाल के फिर इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब तक कि तेल छोड़ ना दे तब तक इसको फ्राई करते रहना। तेल छोड़ देगा, आप देखिए तेल छोड़ दिया है तो कढ़ाई में तेल दिखने लगा है जब छोड़ दिया है तो। उसके बाद इसको फ्राई कर, थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके इसका थोड़ा हल्का ये करने, तो ये है कि जला जला मसाला जल जाएगा। फिर उसके बाद फिर इसको मिला लेना है अच्छी तरह से। फिर आप इसको ढक करके आपको इसको कम से कम इसको 10 मिनट आपको पकाना होगा। अभी पहले इसको अच्छी तरह से पहले फ्राई करके मतलब कि पानी का जो ग्रेवी है उसको थोड़ा सा ये होना चाहिए। उसके बाद ढक करके इसको पकाना है 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद देखेंगे कि कितना अच्छा कलर आया। उसके बाद उसका जो अंडा हम फ्राई किए थे अंडा फ्राई को डाल देंगे इसमें और फिर मिला देंगे अच्छी तरह से मिला करके। फिर इसको भी पकाना है कम से कम 5 मिनट तक पकाना है, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे अंडा फटने का चांस है, इसलिए इसको मिला करके फिर अच्छी तरह से मिला करके फिर ये बन जाएगा हमारा अंडा करी मसाला। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो पूरा देखिए और लाइक, कमेंट, शेयर एंड अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़। हम डेली रेसिपी लाएंगे अच्छी अच्छी आप लोग को जो पसंद है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं कि मुझे ये पसंद है, हम वही बनाएंगे। देखिए मेरा अंडा करी का लुक कितना अच्छा आया है। बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। मेरे फैमिली को बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, मेरी बेटी लोग को भी बहुत पसंद आया था। थैंक यू।